नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। और अभी मैं आ चुका हूँ अपने वाराणसी जंक्शन से लगभग 125 किलोमीटर की दूरी पर मिर्ज़ापुर में। और मिर्ज़ापुर में ही स्थित है एक शीतला जी का मंदिर, गड़बड़ा धाम के नाम से जाना जाता है। फिलहाल दिखाया तो इस समय वर्तमान समय में वहाँ पर लगा हुआ है मेला। यह जो मेला है यह 15 दिन का लगता है गड़बड़ा धाम में, तो आज मैं उसी को दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा और दोस्तों कोशिश कीजिए कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए मैं वीडियो बनाने के लिए लगभग मैं 125 किलोमीटर दूर आ चुका हूं। ठीक है, तो चलिए आपको बैक कैमरे से आपको दिखाते हैं। तो दोस्तों फिलहाल आप देख रहे होंगे यहां पर एक नहर है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। ये देख रहे हैं, ये है मेन प्रवेश द्वार गड़बड़ा धाम जाने के लिए, यानी कि प्रवेश द्वार से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है गड़बड़ा धाम। ठीक है, यह जो रास्ता है यह चला जाएगा हलिया के लिए, और यह जो रास्ता है यह चला जाएगा ड्रामलगंज के लिए। ठीक है, तो चलिए चलते हैं, अब वही मंदिर के पास से आपको दिखाते हैं। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। तो फिलहाल दोस्तों अभी मैं प्रवेश द्वार से होते हुए मैं आ चुका हूं मंदिर के पास, और यहां से दिखाएं तो यहां से आपका मार्केट जो है गड़बड़ा धाम का, यानी कि माता शीतला जी का जो मंदिर है, यहाँ से मार्केट शुरू हो जाता है। तो चलिए आपको बैक कैमरे से आपको दिखाते हैं, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो दोस्तों यही जो रास्ता है, यानी कि प्रवेश द्वार से होते हुए यही रास्ता जो है गड़बड़ा धाम के लिए आता है। और बगल में देखिए ये है पूरा गाँव, ये देख रहे हैं, यहाँ से देखें तो मार्केट शुरू हो जाता है। फिलहाल कई सारे आपके दुकान जो है बंद है, और आपको बता दें कि सबसे जो ज़बरदस्त जो भीड़ रहता है, हालांकि देखा है तो ये 15 दिवसीय मेला है, सबसे ज़बरदस्त भीड़ रहता है आपका सोमवार, मंगलवार, बुधवार और यानी कि रविवार वाले दिन भी, 4 दिन काफ़ी ज़बरदस्त भीड़ रहता है। अभी तो फिलहाल दिखाया तो अभी भीड़ नहीं है, ये देख रहे हैं यही रास्ता है। तो चलिए चलते हैं आगे। ये देखिए इस साइड नारियल चुनरी प्रसाद की दुकानें मिल जाएंगी, सामने भी देखिए उसी प्रकार बच्चों का खिलौना बिकते हुए, और उस साइड देखिए लगा हुआ है झूला। झूला फिलहाल अभी बंद है, शाम के समय हो सकता है चालू हो जाए, क्योंकि इस समय दोपहर का समय है। ठीक दोस्तों, तो आगे जाने के बाद दिखाया तो कम से कम 50 मीटर दूरी तक पूरा लगा हुआ है मेला। इस साइड देखिए आपका समोसा, ये देख रहे हैं पूरा है, और ये है देखिए मेन प्रवेश द्वार मंदिर का। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर, यही जो रास्ता है यह सीधे चला जाएगा मंदिर के पास। दोनों साइड में आप दुकानें देख पा रहे होंगे, ये देखिए इस साइड बच्चों का खिलौना, और इस साइड देखिए जो घर में यूज होता है बर्तन और भी अन्य चीजें हैं, वो सब चीजों का दुकान है। बहुत से दुकान जो है कि फिलहाल भी बंद है, यानी कि देखा है तो आज कम भीड़ होने की वजह से काफ़ी जो दुकानें हैं वो बंद है, यानी कि संडे, सोमवार, मंगलवार, बुधवार को भीड़ रहता है ज़बरदस्त, और उसके बाद फिर से इसी प्रकार का भीड़ रहेगा, बहुत कम नाम मात्र। फिलहाल देखिए जिस प्रकार देखिए इस साइड का भी दुकान बंद है, ठीक है, और आगे जाने के बाद इस साइड भी देखिए कई सारे जो दुकान है वो भी बंद है। ये देखिए मंदिर जाने के दो रास्ते हैं, एक इस साइड से भी आप चले जाएंगे, ये देखिए, और आगे जाने के बाद ये जो सीधे रास्ता है ये सीधे रास्ता भी चला जाएगा मंदिर के लिए। फिलहाल दोस्तों अभी गाना बज रहा है मंदिर के पास, जिसकी वजह से कॉपीराइट आने का चांस है, तो इसके लिए मैं ज़्यादा मैं नहीं बोल पाऊँगा, खाली म्यूजिक का मैं यूज करूँगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर एक त्रिमुहानी है, हालांकि देखा है तो उस साइड भी कई सारे दुकान है। तो मंदिर जाने के लिए देखिए इस साइड मुड़ना होगा, सीधे देख रहे हैं वो मंदिर है।
ये देखिए इसी प्रकार देखें तो इस साइड भी कई सारे दुकान हैं। फिलहाल अभी मंदिर का कपाट बंद है, यह खुलेगा दोपहर 1 बजे। ये देख रहे हैं, यानी कि मैंने जो रास्ता मैंने दिखाया था कि यानी कि दाहिने साइड से जो मुड़ा हुआ है यही जो रास्ता, ये सीधे आता है मंदिर के पास। और मंदिर के देखे तो कई सारे प्रवेश द्वार है, यानी कि आप पीछे साइड से भी जा सकते हैं, आगे से भी रास्ता है। ये देखिए इस साइड है पूरा लिखा हुआ है इसका द्वार गेट नंबर 5। ठीक है, फिलहाल देखा जाए तो भी मंदिर का कपाट जो है वो बंद है, तो चलिए चलते हैं। देख रहे हैं ये हॉल टाइप का बनाया गया है, जैसा कि आप सामने देख ही पा रहे होंगे। ठीक है, और इस साइड से देखा है तो इस साइड से महिलाओं का प्रवेश द्वार है, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। इस साइड से ये देख रहे हैं, जो कि मंदिर में भीड़ लग चुका है। हालांकि देखा है कि वो प्रवेश द्वार है, इस साइड से पुरुष का प्रवेश द्वार है और इस साइड से है महिलाओं का, जैसा कि आप सामने देख पा रहे होंगे। ठीक है, फिलहाल देखा है तो कम भीड़ होने की वजह से शायद इसी रास्ते से ही प्रवेश दिया जा रहा हो। फिलहाल देखिए अभी मंदिर का जो कपाट है वो खुल चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। देख रहे हैं, हालांकि देखा है तो भीड़ कम होने की वजह से, जो कि आप देख पा रहे होंगे जो कि ऊपर लिखा हुआ है प्रवेश द्वार जो है पुरुष के लिए है और इस साइड से महिलाओं के लिए, तो फिलहाल कम भीड़ होने की वजह से ये जो है कुछ इस प्रकार का सिस्टम इस समय है फिलहाल। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके भी जरूर बताएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और जो दोस्त मेरे चैनल बनारसी यूट्यूबर बनाए हैं, उन्होंने मेरा चैनल बनारसी यूट्यूबर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे आने वाले हर एक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे और ऐसे ही मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और हर हर महादेव।